नमस्कार, ये आकाश की वाणी प्रसारण सेवा है। वैलेंटाइन्स डे का माहौल, देश के दुश्मनों को प्यार भरा संदेश देने की तैयारी। जैसे किसान बहुत बड़े दुश्मन है हिंदुस्तान के, इस तरह से नाकाबंदी। बैरिकेड मेक इन इंडिया का जीता जागता प्रतीक, साथ ही साथ लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, वो टेक्नोलॉजी जो रिपब्लिक डे पर भी ना दिखी, ड्रोन जो आंसू गैस छोड़ने की क्षमता रखे और दुश्मन का मोए मोए कर दे, और अगर लातों के भूत तब भी ना माने तो उनके टैंक्स, मेरा मतलब है उनके ट्रैक्टर्स में कील और उनके पिछवाड़े में डंडा घुसाने की पूरी तैयारी। बहुत मारनी है, लट नहीं मारने, समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ देश की राजधानी दिल्ली, जहां दुश्मनों पर कड़ी नजर, कहीं उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स की मदद लेकर ट्रैक्टर को ऑल्टो ना बना दिया हो और दिल्ली में घुसपैठ कर गए हो। सभी की चेकिंग हो रही है, ट्रैफिक जैम, इसीलिए दूर दूर तक। अब सरकार बैरिकेडिंग कर रही है, कुछ सोच के ही कर रही होगी, आफ्टर ऑल राजधानी में सब चंगासी ही होना मांगता। अरे यहाँ प्रदर्शन हो गया तो सब चंगासी सब नंगासी हो जाएगा ना, और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले, जब जनता मस्त अस वर्सेस देम में डूबी हुई है। उस भ्रम को भ्रष्ट करना घोर पाप, घोर अनर्थ, घोर अन्याय, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े वाला काम हो जाएगा। इसीलिए चाहे वो जेएनयू हो या किसान आंदोलन मोर्चा, अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना, अपना हक मांगना, ये सारी चीजें अब आवाज उठा ही नहीं सकता भाई इंसान अपने हक के लिए। एक शैली होती है जिसे ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं, ऐसी कहानी जहाँ लॉजिक और पागलपन में फासला ना के बराबर हो, जहां ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी हो, कब हंसे कब रोए को समझ में ना आए। आज के फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 को देख लो, हंसी इस बात पर आती है कि सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है। दो चार रफाइल जेट खड़ा कर देते तो पूरी की पूरी फील आ जाती। यही काम अगर समय रहते हुए गालवान में कर देते तो आज चीनी घुसकर हमारे जमीन पर ना बैठे होते। रोना इस बात का आता है कि हमारी सरकार किसानों पर आंसू गैस, लाठी, रबर बुलेट्स चला रही है, जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। खालिस्तानी तो वैसे में भी बना देंगे। रोना इस बात पर आता है कि हमारे देश में प्रदर्शन, जुलूस, सवाल पूछना सब गैर कानूनी बन जा रहा है। कमजोर के लिए आवाज उठाने वाला अब कोई बाकी नहीं रहा है। हंसी लेकिन इस बात पर भी आती है कि पिछले किसान आंदोलन से सरकार ने कुछ नहीं सीखा है, गरूर वही है, तेवर वही है। और हंसी इस बात पर भी आती है कि पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी जनता अब तक सोचती है कि देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है कि मिट्टी से तो सोना निकल रहा है, बस ये पता नहीं किसानों को ये सोना क्यों नहीं दिखता है। इसीलिए अनपढ़, मिसगाइडेड है किसान दिल्ली की तरफ दर्शन करने चले आए, और कोई काम तो था नहीं उनके पास, खाम खा हमारे रस्ते को ब्लॉक करने चले आते हैं। लेकिन रस्ते पर आ भी गए तो क्या, ये राजधानी क्या किसानों की नहीं है? क्या वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया नहीं है? उनकी आवाज नहीं है क्या? उनका संसद के सामने प्रदर्शन करना उनका हक नहीं बनता है? अच्छा, मालूम है नया भव्य संसद बनाया गया है, लेकिन संसद तो डेमोक्रेसी का प्रतीक है ना। वो अलग बात है कि न्यू इंडिया के न्यू डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की परिभाषा ही बदल गई हो, और विपक्ष, विरोध, ये सब करना तो गैर कानूनी बन गया हो। लेकिन क्या किसानों की मांगे जायज हैं या नहीं? क्या सरकार ने उनके साथ धोखा किया है पिछले दो सालों में या नहीं? सरकार किसानों से इतना डर क्यों रही है, इस मार्च से इतना डर क्यों रही है? और वो कौन सा राज है जो किसान इलेक्शन से ठीक पहले खोल सकते हैं? आइए जानते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। लेकिन जनहित में मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर सच्चाई और आंकड़ों से आपको उल्टी आती है तो बाल्टी लेकर बैठो। जिन्होंने पिछले फार्मर्स मूवमेंट फॉलो किया है उन्हें ये बात साफ दिख रही होगी कि फार्मर के काफी डिमांड्स तो वही पहले वाले हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, WTO से बाहर निकलो, फार्मर कॉम्पनसेशन, 2020 में लखीमपुर खेरी में जो फार्मर्स मारे गए थे उन्हें मुआवजा चाहिए, और पिछले आंदोलन में फार्मर्स के खिलाफ जो केसेस दर्ज हैं उन्हें विड्रॉ करो, जैसा कि आपने पहले प्रॉमिस किया था। लेकिन ये जो मांगे हैं ना, इनके साथ आप निगोसिएशन कर सकते हो, ये उतनी ठोस मांगे नहीं है। जो मेन डिमांड्स हैं वो तीन हैं, और वो भी नई डिमांड्स नहीं है, ये वही चीजें हैं जो सरकार ने कहा था किसानों से कि वो सीरियसली कंसिडर करेंगे जब तीन काले कानून हटाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि देखिए ये जुमला है,
मरवाओगे। अमित शाह डिमांड जुमला है, सही में इनके जुमले ही है भाई। सरकार ने कहा था कि अब एमएसपी पर तेजी से काम होगा, गंभीरता से काम होगा। एमएसपी और एग्री मंडीज पर हमने अलग से एक एपिसोड बना के रखा है, उसे देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। लेकिन अगर एक लाइन में बोले तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो रेट जिसके नीचे किसान को फसल नहीं बेचनी होगी। अगर कोई और ना मिला प्राइवेट मार्केट में तो सरकार उसे इस मिनिमम रेट पर फसल खरीद लेगी। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे आपके पीएफ का एक रेट होता है, जैसे मनरेगा में मिनिमम वेज होता है, वैसे ही एमएसपी फॉर क्रॉप्स, जिससे किसानों को कौड़ियों के दाम अपनी फसल ना बेचनी पड़े। जहां सरकार यूसीसी लाने पर काफी गंभीरता से फोकस कर रही है, वहीं किसान कह रहे हैं कि पहले यूनिवर्सल एमएसपी तो ले आओ, यानी 23 जो फसल है उनमें मिनिमम सेल प्राइस आप सेट कर दो, जिसके नीचे कोई प्राइवेट कंपनी भी, चाहे जितनी बड़ी पूंजीपति हो, जितने भी पावरफुल प्राइवेट कंपनी भी हो, वो इससे नीचे ना खरीद पाए और किसान को जीने का एक अवसर प्राप्त हो, नहीं तो बेचारा हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता है। इस मैटर की अर्जेंसी देखते हुए किसान आंदोलन के 9 महीने बाद जाकर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। करीबन 30 मेंबर की यह कमेटी में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, जहां से पूरा आंदोलन जो फर्स्ट आंदोलन है वो शुरू हुआ था। ये तो इसी को तो कहते हैं फकीरी। और ना ही कोई इकोनॉमिस्ट था, ना ही कोई डोमेन एक्सपर्ट था जिनके व्यूज फार्म लॉस के खिलाफ थे। यार इतनी हिपोक्रेसी, सीधे सीधे बोल देते। देखिए ये जुमला है, यूएपीए लगवा दो अब तो बेल भी ना मिलेगी। किसान अब कह रहे हैं कि एमएसपी हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसकी घोषणा आप तुरंत कीजिए, इसको कंपलसरी बनाइए, अब हम और वायदों पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपने हमें बहुत लटका दिया है। दूसरा, सेकंड बिगेस्ट जो डिमांड है कर्ज के बारे में है। लोन वेवर एक बहुत ही जटिल मामला है, किसानों का कर्जा जब भी माफ करने की बारी आती है तो जनता में त्राही त्राही मच जाती है, अरे हमारे ही तो टैक्स का पैसा है, ऐसे कैसे माफ कर सकते हो आप किसानों का लोन, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक से देखें तो ये बात भी सही है, लोन तो किसी का ऐसे ही माफ नहीं होना चाहिए, ना आपका, ना मेरा, ना अडानी का, ना किसानों का। लेकिन जब सरकार पिछले 10 सालों में चुपचाप 7 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट लोन्स माफ कर देती है, नहीं राइट ऑफ कर देती है। देखिए अंग्रेजी और इकोनॉमिक भाषा में बोले 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देती है, तब हम बोलते हैं सरकार ने किया होगा, कुछ सोच के ही किया होगा। उधर किसान अपने ट्रैक्टर का लोन अगर ना चुका पाए, 1-2 लाख रुपए की भी बात हो तो या तो उसे जेल जाना पड़ता है, कभी कभी तो उसके ऊपर से ही ट्रैक्टर चल जाता है, और अगर जिंदा बच भी जाता है तो साहूकार के कर्जे के नीचे फिर वो दम ही तोड़ देता है। आजादी के इतने सालों बाद भी दिल्ली के जंतर मंतर में या सिंघू बॉर्डर पर कभी किसान आंदोलन छोड़ के इंडस्ट्रियलिस्ट का आंदोलन देखा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहा है, कॉर्पोरेट होंचो बोल रहा है कि हमारे लोन माफ करो। सोचने वाली बात है ना कि नेता टाइप लोग बोलते जरूर है जय जवान जय किसान, लेकिन अंदर कुछ और कर रहे होते हैं, किसी और की जय चल रही होती है, क्योंकि जवानों के नाम पर तो वोट मांगे जाते हैं और किसानों का खून चूसा जाता है। एनीवेज, तीसरा जो थर्ड बिगेस्ट डिमांड है, भारत रत्न से आपने एमएस स्वामीनाथन को अवार्ड तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उन्हें यह सम्मान मिलना भी चाहिए था, लेकिन उन्हीं की स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट धूल चाट रही है। एमएस ना ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, वो ना ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, बल्कि हमारे देश के किसान और हमारे देश की एग्रीकल्चर के बारे में बहुत फिक्र करते थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिसे अगर माना होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सरप्लस एंड वेस्ट लैंड, की भैया लोगों को और जमीन मिले, प्राइम एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड कॉरपोरेट्स के हाथ में ना जाए, अब आप समझ सकते हो ये क्यों इम्पोज नहीं हो रहा है, लोगों को ग्रेजिंग राइट्स देना, ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंस माने पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू इरिगेशन, ड्रेनेज, लैंड डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन कंजर्वेशन फार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी, जिससे और भी अवसर बढ़े। 4% ब्याज पे फार्मर्स को लोन मिले, और अगर फसल सही ना निकले तो ब्याज पर माफी, नॉट प्रिंसिपल, ब्याज पर माफी। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो फार्मर को, क्रॉप को और लाइफ स्टॉक को कवर करे, एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका सजेशन था, एमएसपी का रेट बढ़ाओ एटलीस्ट 50% अबव द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको C2+50 फॉर्मूला बोलते हैं, यानी सारी इनपुट कॉस्ट को मिलाने के बाद भी फार्मर को एक डिसेंट प्रॉफिट मिलना चाहिए। 2 दशक हो गए, ना बीजेपी ना कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को सीरियसली इंप्लीमेंट किया।
लेकिन आप देखिए इलेक्शन का समय है, तो अभी राहुल गांधी आकर कहते हैं कि अब वो एमएसपी को लीगल राइट बना देंगे अगर कांग्रेस पावर में आती है। इलेक्शन का टाइम है, बेनिफिट मिल सकता है। इलेक्शंस को एक महीना बाकी है। अब नेचुरल सी बात है कि मोदी सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि ये सब तो एक पॉलिटिकल चाल है, ये सब तो झांसा है, अभी तक फार्मर्स को खालिस्तानी बोला नहीं, वो भी कुछ ही दिनों में बोल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है क्योंकि इससे हमारे देश का एक कड़वा सच भी सामने आ जाएगा। इलेक्शन और नो इलेक्शन, ऑफकोर्स इलेक्शन के समय आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5 trillion ton इकोनॉमी, विश्व गुरु, प्राण प्रतिष्ठा में उसी की धुन में मग्न है, उनके लिए अमृतकाल आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है। ऐसे लोगों को अगर आप लो पर कैपिटा इनकम, हेल्थ केयर और एजुकेशन क्राइसिस, रूरल डिस्ट्रेस, एग्रेरियन क्राइसिस, इस सब के बारे में बताओगे तो मूड चौपट हो जाएगा। देश की आधी कौन बताता है आजकल, आधी जनसंख्या खेती में, खेती बाड़ी या अलाइड उसमें जॉब्स में जुड़ी हुई है। अब इस आधी जनसंख्या को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनपुट प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, फसल के दाम उनको कम मिल रहे हैं, क्रेडिट मिलता नहीं है। अब इस सब के चलते किसान वहीं का वहीं फंसा हुआ है सालों से, दशकों से। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस इसको सुलझा पाएगी और इसीलिए इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही खेला जाता है। रिसर्च ये बताता है कि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ खाने के खर्चे, खाने का खर्चा घर का आधा बजट अब खत्म कर रहा है। अब आप सोचो कि अगर आधा बजट मेरा सिर्फ खाने में चले गया तो आदमी पहनेगा क्या, आदमी पढ़ेगा क्या? 5000 कमाता है तो 2500 सिर्फ खाने में गया, इसीलिए इकॉनमी भी डिस्ट्रेस में दिख रही है। रूरल इंडिया में वेजेस अगर आप बात करें इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद तो वो कम हो रहा है, लिटरली कम हो रहा है। पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो आमदनी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। एक और रिपोर्ट ये बताती है कि अगर 2014 से 2022 के बीच में आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके एग्रीकल्चरल वेज देखोगे तो 1% बढ़ी है, करीबन 8 साल में 1% आपकी वेजेस बढ़ी है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। शायद यही वजह है कि सरकार डेटा नहीं निकालना चाहती है ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, क्योंकि ये रिपोर्ट, ये आंकड़े साफ साफ दिखा देगी कि डीमोनेटाइजेशन, सडन लॉकडाउन, फॉल्टी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की जो असली मार है वो रूरल एरियाज पर कैसे पड़ी है। और बात यहां यह नहीं है कि वोट किसको मिलेगा, आएगा कौन या नहीं आएगा कौन, बात यह है कि लोगों की माली हालत कैसी है। अगर यह फार्मर प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट है तो वो इसलिए है कि फार्मर्स भी जानते हैं कि अगर सरकार से कुछ मनवाना है तो इलेक्शन से पहले ही सबसे चंगा समय है, क्योंकि वोट की भाषा इज द ओनली भाषा जो सरकार समझती है। नहीं तो इलेक्शन के बाद आप कर लीजिए, आप बैठे रहिए सिंगू बॉर्डर पर 2 साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार कुछ नहीं करने वाला। और अगर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है जो इलेक्शन की अहमियत को समझती है, टाइमिंग को समझती है। 16 फरवरी को फार्मर प्रोटेस्ट दिल्ली चलो के साथ साथ एक और ग्रामीण बंद भी होने वाला है और सेंट्रल ट्रेड यूनियन मेंबर्स भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं। उनकी भी यही मांग है कि उनके साथ सरकार ने धोखा किया है, एमएसपी पर आश्वासन को जुमला बना दिया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया है, उनकी माली हालत खराब हो रही है। सुनने में ये सोशलिस्ट पॉलिसी लगे लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर को सब्सिडीज की दरकार होती है और मोदी सरकार तो वैसे में भी इतनी बड़ी सोशलिस्ट सरकार है। अब मनरेगा की बात कर लीजिए, उसमें बजट हाइक, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, इससे ज्यादा सोशलिस्ट और क्या हो सकता है। इनफैक्ट अमेरिका जैसे प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री में भी एग्रीकल्चर को सब्सिडी का सपोर्ट मिलता है। और वैसे में भी अगर सरकार कहती है कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हम तेजी से विश्व गुरु बन रहे हैं, 5 trillion ton इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएंगे, तो एग्रीकल्चर के लिए एडिक्वेट बजटरी प्रोविजन बनाना उतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, इससे रूरल इकोनॉमी को एक्चुअली बूस्ट मिलेगा। हाँ, अगर पैसा है ही नहीं तो फिर बताओ लोगों को कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को बताना, लोगों के साथ डिस्कस करना, वार्तालाप करना, ये तो दूर की बात है, आप तो लोगों की सुनोगे ही नहीं। यहां तो प्रोटेस्ट करने देना भी दुश्वार हो गया है। दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि परफेक्ट सिचुएशन है, जगह जगह पर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले एक साल में, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लेकिन वहां प्रोटेस्ट की अनुमति तो है, राइट टू प्रोटेस्ट तो है, यहां तो प्रोटेस्ट ही देशद्रोह बन गया है। वारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
लगता है कि हम अपने फार्मर्स को सिर्फ खेत में ही देखना चाहते हैं, फिर हम वहां जाएंगे उनके पास, बोलेंगे हो हाउ स्वीट, गन्ना चबाएंगे, एक फोटो इंस्टाग्राम पे लगाएंगे और बोलेंगे भाई देखो ये सब तो अच्छा है, दिल्ली मत आना मेरे दोस्त। किसान आंदोलन के लीडर्स को ये बताना पड़ रहा है अब कि कैसे उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया उनके जा रहा है, उनके घर पे पुलिस भेजा जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि चुप रहो नहीं तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की नौकरी छीन जाएगी, छीन लेंगे। ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कड़वा सच। और उससे भी ज्यादा कड़वा सच तो ये है कि हम में से कई देशवासी तो हैं लेकिन देशभक्त नहीं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि फार्मर्स की अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। कुछ उन्हें गाली गलौज बक रहे हैं, कुछ इसे सोरोस की कंस्पिरेसी बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें एक सिंपल ट्रुथ दिख रहा है कि हमारे देश में एक एग्रेरियन क्राइसिस है, एक रूरल डिस्ट्रेस है। और यह सिर्फ बीजेपी की देन नहीं है, यह कांग्रेस के टाइम से चला आया है और सब इसे दबाने में लगे हुए हैं। अब पॉलिटिकली तो बीजेपी डिनायल में है, ठीक वैसे डिनायल में जैसे वाजपेयी जी 2004 में भी थे, अपने इंडिया शाइनिंग कैंपेन के साथ ऑफिस में वापस आने की तैयारी में बैठे हुए थे, इट वॉज अ डन डील, लेकिन फिर जोर का झटका लग गया। ठीक वैसे ही हालात आज हैं, देश तरक्की कर रहा है, इंडिया इज शाइनिंग, लेकिन फार्मर्स नहीं। देश की 1% जनता जो है सुपर रिच ताबड़तोड़ खर्चा कर रही है, लेकिन वही 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर भी जिंदा है, किसान कर्जे पर है। अगर भगवान श्री राम का वरदान ना होता तो 2024 की कहानी 300-400 सीट की नहीं होती, 100-200 सीट के लिए लड़ाई होती। अब सवाल यह है कि एक महीने में कुछ ऐसा पासा क्या पलट सकता है, क्या जो रूरल इंडिया है उसको ये बात दिख जाएगी, ये भ्रम टूट जाएगा? बीजेपी ये बात, ये रिस्क भली भांति जानती है और इसीलिए इस प्रोटेस्ट को दबाने की हर कोशिश हो रही है। ये जो इंटरनेशनल लेवल बॉर्डर बन रहा है दिल्ली में, ये वही कोशिश है कि कहीं फिर से सिंगू बॉर्डर पार्ट 2 ना बन जाए। लेकिन एमएसपी, लोन वेवर, स्वामीनाथन रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन इतना मुश्किल नहीं है। देखिए निगोसिएशन आपको करना है, तो आपने तो निगोसिएशन कतार के साथ भी कर लिया और हमारे नेवल वेटरन्स को वापस ले आए, उसके बारे में हमने एपिसोड भी बनाया, गुड जॉब डन। तो फिर आप यहां फार्मर्स के साथ निगोसिएशन नहीं कर सकते हो जब आप कतार के साथ निगोसिएशन कर सकते हो? सोचो अगर मोदी सरकार ने ये इंप्लीमेंटेशन कर दिया, एमएसपी को जारी कर दिया, भाई साहब 400 पार इस बार। गाइस ये था हमारा रिएक्शन एंड सच में इन्होंने जो चीज बताई ना, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी कि 80 करोड़ लोग फ्री राशन पे जिंदा है हिंदुस्तान में। बिल्कुल हमारा देश तरक्की कर रहा है, बिल्कुल हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, पर जो 1% लोग हैं वही एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं, बाकी के लोगों का क्या? तरक्की सबके साथ होती है ना, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। सबके साथ नहीं हो रहा है ना, सिर्फ अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। और रूरल एरिया मतलब ओहो बहुत भाई भुखमरी है यार, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जिस तरह से इन्होंने बताया 80% लोग हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के जॉब से जुड़े हुए हैं, या तो वो खेती बाड़ी करते हैं या तो फिर किसी किसान के पास नौकरी करते हैं या तो फिर उसके हिसाब से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि 50% लोग अगर इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो इनकी बात तो सुननी जायज़ है ना, और इनके हिसाब से अगर काम हो गया तो कितने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अगर सरकार 7 लाख करोड़ कॉरपोरेट सेक्टर्स का माफ़ कर सकती है, 7 लाख करोड़ जिनके पास पैसा है, जो अमीर है उनका, जो देश से भाग चुके हैं उनका, तो ये तो हमारे किसान है। अगर ये स्ट्रांग होंगे तभी तो हिंदुस्तान स्ट्रांग होगा, बट नहीं। आप बताइए क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकअल्लाह खैर।